ओम शांति। राजयोग के अभ्यास के लिए हमें कुछ नियमों और मर्यादाओं का पालन करना होता है। राजयोग का लक्ष्य ही है मन बुद्धि को शुद्ध करना, निर्मल करना और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, चित्त को सदा खुशनुमा बनाना। इसके लिए चार स्तंभ अथवा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यही योग की उच्च स्थिति का आधार है। पहला है ब्रह्मचर्य या पवित्रता। योगी शारीरिक सुंदरता या वासना भोग की तरफ आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वह देह की अपेक्षा विदेही व आत्म अभिमानी अवस्था में रहता है। वह सबको आत्मा भाई भाई के रूप में देखता है और आत्मिक प्रेम व संबंध का ही आनंद लेता है। पवित्रता उसे बहुत ही महान शारीरिक शक्ति, कार्यक्षमता, नैतिकता और आत्मिक बल देती है। दूसरा है शुद्ध अथवा सात्विक आहार। कहा भी जाता है जैसा अन्न वैसा मन। मनुष्य जो आहार करता है उसका उसके मन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए योगी मांस, अंडा, उत्तेजक पदार्थ या तंबाकू आदि का सेवन नहीं करता है। वह अपना पेट पालने के लिए अन्य जीवों की हत्या भी नहीं करता है और ना ही अनुचित साधनों से धन कमाता है। वह परमात्मा को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में अन्न ग्रहण करता है। सत्संग कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग। संग का मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए योगी सदा इस बात का ध्यान रखता है कि उसका सदा ही परमात्मा के साथ संग बना रहे। वह कभी भी कुसंग कुविचारों में समय व्यर्थ नहीं गवाता। वह भिखारी देहधारी मनुष्यों को भी याद नहीं करता है, बल्कि एक ही प्रभु की याद में उसकी लगन में मगन रहता है। चौथा है दैवी गुण। योगी सदा दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करता रहता है। आसुरी स्वभाव और कर्मों के वशीभूत नहीं होता है। योग का मुख्य आधार संतुष्टता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, विनम्रता आदि दिव्य गुण हैं। योगी स्वयं इन गुणों को धारण करता है और साथ ही अन्य दुखी अशांत आत्माओं को भी अपने गुणों का दान करता है। इन सभी नियमों का पालन करने से ही मनुष्य सच्चा योगी जीवन बना सकता है तथा दुख, अशांति, रोग, शोक और मनोविकारों से छुटकारा पा सकता है।